ये जो था ना, ये सिर्फ और सिर्फ हेजेस बाय किए थे और उन हेजेस का अंदर प्रॉफिट हो गया था क्योंकि मार्केट ने आज मॉर्निंग में डाउन मूव दे दिया था, उसकी वजह से मुझे हेजेस में प्रॉफिट हो गया है। उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो सिस्टम है वो हम देख रहे थे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। सो हमारा लाइव जो है वो संडे के दिन होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गुरु। सो आज हमने लाइव जाने का एक ट्रायल किया, ट्रायल कर रहे थे हम, जिसके अंदर हम सिर्फ देख रहे थे कि उस दिन हमें कुछ भी इशू ना हो। तो आज हमने एक ट्रायल लाइव लिया था और उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ हमारा जो सिस्टम है वो हम देख रहे थे कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं और उस दिन हमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने आज थोड़ा बहुत टेस्टिंग किया है। सो हमारा लाइव जो है वो संडे के दिन होने वाला है और आज का जो ट्रेड है उसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते कि आज के ट्रेड के अंदर क्या हुआ है और किस तरीके से रहा है। आज का हमारा 40K के अकाउंट के अंदर ट्रेड करने का 20 डे है। आज का जो उसके अंदर ट्रेड है वो मैं अभी आपको शो करता हूँ और आज का जो हमारा सेकंड अकाउंट है उसके अंदर मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ मैंने सुबह में हेजेस बाय किए थे। सो उन हेजेस के अंदर मतलब मैं पहले हेजेस बाय करता हूँ, उसके बाद मेरा जो स्ट्रैंगल है वो सेल करता हूँ ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले उसके लिए। और एक क्वेश्चन था किसी का कि जो मैं 40K का अकाउंट कर रहा हूँ जिसके अंदर जो PNL बनाया 2950 रुपीज़ का, तो किसी ने तो भी कमेंट किया था कि ये ब्रोकरेज में जाएगा। नहीं भाई, ब्रोकरेज में नहीं जाएगा क्योंकि मैं फिनवेशिया ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर जीरो ब्रोकरेज लगता है। सो मैं इसीलिए वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, 50 डेज का चैलेंज किया, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस भी देखने पड़ते हैं क्योंकि अगर आप 40K से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका ब्रोकरेज जाना ही जाना है। सो इसलिए मैंने जीरो ब्रोकर में यूज़ किया ताकि मेरा जो ब्रोकरेज है उससे मैं बच जाऊँ और मेरा जो प्रॉफिट है वो रियल मुझे सारा प्रॉफिट दिखे, तो इसके लिए मैंने फिनवेशिया यूज़ किया है। सो जिनका क्वेश्चन था कि ब्रोकरेज लगेगा या ऐसा वैसा, तो भाई मुझे ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, मेरा जो जितना भी वो प्रॉफिट था वो सारा का सारा प्रॉफिट ही है और 50 डेज के एंड में मैं PNL भी शो कर दूँ। और अभी जो आज का जो हमारा सेकेंड अकाउंट है उसका मैं अभी अपडेट दे देता हूँ और आज का जो हमारा 40K का अकाउंट का ट्रेड था उसके बारे में बताता हूँ। सो हमारा जो सेकेंड अकाउंट है उसके अंदर आज 537 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, बट मैंने इसके अंदर कोई भी पोजीशन नहीं लिया था। ये जो था ना, ये सिर्फ और सिर्फ हेजेस बाय किए थे और उन हेजेस का अंदर प्रॉफिट हो गया था क्योंकि मार्केट ने आज मॉर्निंग में डाउन मूव दे दिया था, उसकी वजह से मुझे हेजेस में प्रॉफिट हो गया है। सो ये सिर्फ और सिर्फ हेजेस का प्रॉफिट है। आज इसके अंदर कोई भी मैंने ऑप्शन सेल नहीं किया है, सिर्फ ये बाय किया था, उसके अंदर मैंने स्क्वायर अप किया, तब प्रॉफिट में था तो मैंने उसे स्क्वायर अप कर दिया फिर। सो इसके अंदर 537 रुपीस का आज प्रॉफिट हुआ है। और जो हमारा दूसरा अकाउंट है मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ। सो अभी भी हमारा लाइव रिलेटेड वर्क चल रहा है। सो मैं अभी आपको आज का ट्रेड दिखा देता हूँ। सो आज का जो हमारा 40K के अकाउंट के अंदर ट्रेड था वो इस तरीके से था कि यहाँ पे जैसे ही गैप अप ओपन हुआ उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर एक नीचे सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। सो मैंने ये दोनों मार्क करके रखा था और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक हुआ उस वक्त मैंने ट्रेड में एंट्री ले लिया था। सो इसी वक्त मैंने ट्रेड में एंट्री ले लिया था और जब यहाँ पे गया तब मेरा 1:1 मुझे मिल रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक इवन पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके रख दिया था और फिर इधर से जब ये ऊपर गया तो मेरा ब्रेक इवन SL हिट हुआ है। सो आज मेरा जो ट्रेड के अंदर PNL है वो ब्रेक इवन में मैं आज एग्जिट किया हूँ। सो अभी मैं आपको मेरा PNL जो है वो भी शो कर देता हूँ। तो आज का जो मेरा ट्रेड था वो 9:56 को मैंने एंट्री लिया था और 10:21 को एग्जिट किया है। सो आज का हमारा जो PNL है वो ब्रेक इवन पे हमने एग्जिट किया है। सो 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 4.50 का, ठीक है। सो आज हमारा ब्रेक इवन एग्जिट हुआ है। तो इस अकाउंट के अंदर हमारा जो हुआ है 537, सो ये भी ब्रेक इवन ही पकड़ते हैं, तो आज का ओवरऑल हम ब्रेक इवन पकड़ के चलते हैं। तो आज का ओवरऑल हमारा ब्रेक इवन पे हुआ है। हम एक ही चीज़ कब से ट्राई कर रहे हैं कि हमें वो पेंसिल का पैड चाहिए जो मिल नहीं रहा है, जो हमारे इसके अंदर था, ठीक है, ये इसके लिए हमें पैड चाहिए, तो मैं आपको लिख के वो समझा पाऊँ उसके लिए। सो हम कब से ट्राई कर रहे हैं उसे ढूंढने की, पर वो मिल नहीं रहा है और जो इसके ऊपर अवेलेबल था मिल चुका है, ओके मिल गया है। और जो हमारे पास अवेलेबल था इसके अंदर ऑलरेडी, मतलब अवेलेबल नहीं था, हमने डाउनलोड ही किया था बट वो वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। सो देखते हैं अभी किस तरीके से होता है हमारा संडे का लाइव। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इजीली कुछ भी डाउनलोड नहीं हो पाता, बट जो मेरा ये पीसी था इसके अंदर इजीली कुछ भी डाउनलोड हो जाता था। सो अभी फाइनली इसके अंदर एक डाउनलोड हो चुका है, अभी इसे कनेक्ट करके देखते हैं।
सो फर्स्ट लेक्चर हमारा बेसिक से होगा, उसके बाद धीरे 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 करके हम सुबह पहले तो हम बेसिक से जाएंगे और फिर धीरे 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 करके एडवांस तक हम आगे बढ़ेंगे। सो आप हर एक लेक्चर के अंदर ज्वाइन करना ताकि आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप सबको उसका बेनिफिट हो। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ हमारे लाइव लेक्चर के अंदर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।